बंटवारा होते ही और मंत्री पद मिलते ही सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। दरअसल श्रुति चौधरी ने अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें आदेश दिए। जरा आप भी देखिए क्या कह रही हैं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी। धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे तमाम नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये मान सम्मान हमारे ज़िले को दिया है और ऐसे विभाग दिए हैं जिससे डायरेक्टली खूब काम हम कर सकें। दक्षिण हरियाणा के लिए ही नहीं, केवल तमाम प्रदेश के लिए, चाहे इरिगेशन की बात हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड की बात हो, ये ऐसे महकमे हैं जो इतना काम का स्कोप है। और माननीय चीफ मिनिस्टर जी के उनके नेतृत्व में खूब काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि आज मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग ली है, डीसी साहब और एसपी साहब और सारे के सारे जो अधिकारी हैं यहाँ पे उनके साथ मिलके, कि यहाँ पे मिलजुल कर सब की सब हम एक ही काम के लिए यहाँ पे हैं कि लोगों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें, एक साफ़ सुथरा माहौल दे सकें, जहाँ पे क्राइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, काम जो ज़मीन पे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए हुए हैं हर वर्ग के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% हो और ज़मीन पर वो पहुंचे। जैसे आपको पता है कि हमारे भिवानी में दिक्कत है पीने की पानी की, हमारे जो इंटरनल सड़कों की, उनके ऊपर भी संज्ञान लिया है। और तो शाम के अंदर चाहे निकासी की बात हो, चाहे कई जगह पे वाटर लॉगिंग भी है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आज संज्ञान लिया है और एक महीने बाद हम रिव्यू करेंगे, ताकि जो जानकारी आज मुझे अधिकारियों ने दी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई एक महीने बाद उन्होंने करी है। जैसे ज्योग्राफिकली भिवानी काफ़ी रिमोट एरिया में पड़ता है, पानी की समस्या है, तेल के अंतिम सोर्स पे पड़ता है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट आपके पास है, क्या उम्मीद करेंगे? जब ही सबसे पहले मैंने धन्यवाद किया भाजपा का, शेष नेतृत्व का, कि उन्होंने ये समझते हुए कि दक्षिण हरियाणा एक सूखा इलाका रह गया है और इरिगेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो आप चिंता ना करिए, सम्मान बंटवारा पानी का होगा। और मैं सबसे ये आग्रह भी करती हूँ, क्योंकि पर्यावरण वरण सब खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट एक उसमें बहुत डी जेनरेशन हो रही है, हमको पूर्ण रूप से गांव-गांव में, मैं सबसे ये आग्रह करती हूँ कि पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। ये सारा जो पानी जहाँ चलता रहता है उसके ऊपर भी देख रेख करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सबको मिलजुल के इस पे काम करना है और पूर्ण रूप से अच्छा बंटवारा, सम्मान बंटवारा पानी का तमाम क्षेत्र में होगा। आपने पर्यावरण का जिक्र किया जी, पर्यावरण पर काफ़ी जो है विवाद चल रहा है, जो पराली जलाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि तानाशाही तरीका अपना रही है सरकार, प्रबंधन का कोई सिस्टम नहीं किया जा रहा पराली नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपने कैबिनेट मीटिंग में भी कहा कि हमारे किसान अन्नदाता हैं और उनको समझाने की कोशिश करें कि पर्यावरण अगर ख़राब होता है तो अंत में सबको, सब उसी के लपेटे में आते हैं। और सब्सिडी बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेट तरीके दे रखे हैं, जहाँ पे किसान वो रास्ते अपना सकते हैं, ताकि सब्सिडाइज करके, ताकि एक उसमें सब्सिडी ऐसी है जहाँ पे वो अगर वो जैसे उसको काटते हैं तो उनको मेरे ख्याल से 1,000 रुपया प्रति एकड़ भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं ताकि किसानों को सहूलियत मिले और उनको भी लाभ, वापस एक लाभ भी मिले इस चीज़ से। दादरी रोड पर डंपिंग यार्ड है मैम, शहर के काफ़ी नज़दीक आए, लोग परेशान हैं, उम्मीद जगी। ये तमाम चीज़ों पे आज हमने किया है, ये अपने एडीसी से साहब से भी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, कल ये और संज्ञान लेंगे और फिर जब रिव्यू मीटिंग मैं लूँगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या ज़मीन पे कर पाए हैं अधिकारी।
मैडम, लिफ्ट इरीगेशन की जो थी बंसीलाल जी के टाइम पे थी, क्या उसके रिनोवेशन के लिए कोई अलग से बजट का प्रावधान आपके पास डिपार्टमेंट है कि यहाँ पाई? डिपार्टमेंट आज ही हमें मिले हैं रात को, और मैं सारी मीटिंग्स लेकर मैं आपको एक चीज़ का पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि ये डिपार्टमेंट, दोनों मेरे डिपार्टमेंट्स इस तरीके से हम करेंगे कि एक ऐतिहासिक काम हम माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में कर सकें, जहाँ पे हम पानी का एक वाटर कंजर्वेशन भी कर सकें और एक आगे के लिए भी हम प्रोजेक्ट्स बना सकें, और हमारा जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे क्या समाधान निकालना है, जहाँ पे पानी नीचे जा चुका है बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें क्या समाधान निकालना है। तो इस तरीके से वो सारा काम करेंगे, और हरियाणा का जो एक हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और ये एक सबसे ज़रूरी महकमा है, क्योंकि पानी ही जीवन है, और चौधरी बंसीलाल ने काम वो तमाम इतिहास, उन्होंने पानी एक उनका बहुत बड़ा वो था, एक विजन जो उन्होंने ये काम किया पानी के ऊपर, तो वो काम उसी काम को हम आगे जारी करेंगे। क्या श्रुति चौधरी अपने महकमे से संतुष्ट है जो महिला बाल विकास और इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा? बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा महकमा है हमारे इरिगेशन, जहाँ पानी की बात है और जहाँ महिलाओं के लिए, ये सबसे पहला जो बिंदु था हमारा संकल्प पत्र था, वो शुरू भी थान से शुरू हुआ कि किस प्रकार से 2100 रुपये, चाहे वो स्कूटी की बात, तो ये तो बहुत इसमें काम करने का बहुत स्कोप है और बहुत काम होगा। आधी आबादी के उत्थान के लिए काम किए जाएंगे माना जा सकता है? बिल्कुल, माना जा सकता नहीं हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।